घर पर जब मेहमान आ जाएं और मीठे में कुछ ना हो तो झटपट बनाए मिनी शाही टुकड़े। ब्रेड के मिनी शाही टुकड़े कैसे बनाते हैं तो आइए देखते हैं वीडियो में। एक लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, एक उबाल आने तक तेज आंच पर रखा है। दूध में एक उबाल आ गया है, आंच को मीडियम रखेंगे, बराबर चलाते रहेंगे। एक बाउल शुगर ऐड करते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। एक चम्मच केवड़ा वाटर ऐड करते हैं। एक पिंच येलो कलर ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। दूध को बराबर चलाते हुए आधा पका लेते हैं। बराबर चलाते रहेंगे जिससे तली में ना लगे किनारों को, इस तरह से साफ कर लेंगे। 7 ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के किनारों को कट कर लेते हैं। इस तरह से ब्रेड के किनारों को कट कर लेते हैं। ब्रेड के किनारे को कट कर लिया है, इसी तरह से सारे ब्रेड के किनारे को कट करके तैयार कर लेते हैं। ब्रेड को 4 पीस में कट कर लेते हैं। इस तरह से तेल लगा था, गर्म हो गया है, मीडियम आंच पर फ्राई कर लेते हैं ब्रेड को। उलट पलट कर गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, ब्रेड में निकाल लेते हैं। घर पर जब मेहमान आ जाएं और मीठे में कुछ ना हो तो झटपट बनाए मिनी शाही टुकड़े। दूध को पकाकर आधा कर लिया है। दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इस तरह से रखना है। शाही टुकड़े के लिए दूध बनकर तैयार है। ब्रेड को फ्राई कर लिया है, दूध में ऐड करते हैं। सारे ब्रेड के टुकड़े ऐड कर देते हैं। दो मिनट तक दूध में पका लेते हैं। ब्रेड के मिनी शाही टुकड़े को 2 मिनट तक पका लिया है। तेज आंच पर गैस ऑफ कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ब्रेड का मिनी शाही टुकड़ा बनकर तैयार है, ब्रेड में निकाल लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड के मिनी शाही टुकड़े बनकर तैयार हैं सर्व करने के लिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।